जस्टिस कुरियन जोसेफ ने भारत के चीफ जस्टिस यानी सीजीआई को एक पत्र लिखा है, जिसके बाद देश की न्यायिक व्यवस्था में एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। अपने खत में उन्होंने लिखा, सुप्रीम कोर्ट का अस्तित्व खतरे में है और यदि जजों की नियुक्ति के मामले में सरकार की चुप्पी पर कोर्ट कुछ नहीं करता तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। वहीं सीजीआई के इस लेटर से सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच टकराव होने की आशंका भी जताई जा रही है। जस्टिस कुरियन के इस लेटर की कॉपी सुप्रीम कोर्ट के 22 अन्य जजों को भी भेजी गई है। जस्टिस कुरियन जोसेफ ने इस लेटर में लिखा है, कॉलेजियम द्वारा एक जज और एक वरिष्ठ वकील को तरक्की देकर सर्वोच्च न्यायालय में लाने की सिफारिश को दबाकर बैठे रहने के सरकार के अभूतपूर्ण कदम पर यदि कोर्ट ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। आपको बता दें कि जस्टिस कुरियन कॉलेजियम के फरवरी में लिए उस निर्णय का हवाला दे रहे हैं जिसमें वरिष्ठ वकील इंदु मल्होत्रा और उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के एम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने की सिफारिश की गई है। उन्होंने कहा, पहली बार इस अदालत के इतिहास में ऐसा हुआ है कि किसी सिफारिश पर 3 महीने बाद तक यह पता नहीं चल पा रहा कि उसका क्या हुआ। जस्टिस कुरियन जोसेफ ने सीजीआई से कहा, इस मसले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए 7 वरिष्ठ जजों की बेंच द्वारा सुनवाई की जाए। उनकी यह मांग अगर मान ली जाती है तो 7 जजों की पीठ सरकार को कॉलेजियम की लंबित सिफारिशों पर तत्काल निर्णय लेने का आदेश दे सकती है। गौरतलब है कि इससे पहले गत 12 जनवरी को जस्टिस कुरियन जोसेफ सहित 4 जजों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीजीआई की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। NMF न्यूज की रिपोर्ट।